परम कारुणिक श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो पावन क्षेत्र में अवस्थान करुछंती परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र सर्वधर्म समन्वय क्षेत्र यह क्षेत्र में जेहेतु परम ब्रह्म भगवान दारु ब्रह्म रूप में विराजमान करुछंती तेणु यह क्षेत्र में समस्त संप्रदाय जाति वर्ण धर्म निर्विशेष यही स्थान रे समस्ते एकीभूत होती महाप्रभु श्री चरण तले समस्ते समर्पित होमर जो पंचदेव उपासना अच्छी गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न कर्तव्य पंचदेव नमोस्तुते तेणु गण अर्थात गणेश नारायण रुद्र अंबिका भास्कर ये हूँ आम पंचदेव उपासना ये पंचदेव उपासन गोटी उपासना होची शैव उपासना श्रीक्षेत्र होची विष्णु को उपासना करिवार एक क्षेत्र से क्षेत्र नाम होची वैष्णव क्षेत्र किंतु वास्तविक यह केवल जे वैष्णव क्षेत्र ता नुहे यह एक शैव क्षेत्र एठारे भगवान शिव आराधित होती जेमती श्री जगन्नाथंकर आराधना एठारे होची सेमती शिवंकर मध्य एठारे आराधना होची जेमती परम ब्रह्म भगवान श्री जगन्नाथ विष्णु रूप से एठारे उपासित होती से भाव शिव मध्य एठारे उपासित होती एठारे पंच महादेवंकर स्थिति रही अर्थात एठारे श्री जम्बेश्वर श्री लोकनाथ श्री मार्कंडेश्वर श्री कपालमोचन श्री नीलकंठेश्वर यही पंच महादेव विराजमान करुछंती एवं यही क्षेत्र रे सेमानंकु पंच पांडव बोली मध्य कुहा जाए जेतेबले श्री जगन्नाथ महाप्रभु चंदन यात्रा रे बाहरंती वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे 21 दिन धरी बाहर चंदन यात्रा करंती नरेन्द्र पुष्करणी रे नौ विहार करंती से केवल एका करि नथांती तांको सहित यही पंच पांडव बा पंच महादेव मध्य जाइथांती शास्त्र कहुची हरि एवं हरंक भितरे कौनसी भेदभाव नाही जो हरि ही सह हरह साक्षात जो हरह सह हरिस तथा उभय और अंतरंग नास्ति पवन आकाश योरिब पवन एवं आकाश या भितरे जेमिति कौनसी भेदभाव केहि करि परिबे नाही सेहि भलि भावरे श्री विष्णु एवं श्री शंकर बा शिव यांक भितरे भेदभावना रखिबा आदौ उचित नुहे एवं शास्त्र कहुची जे ए भावना रखे से नर्कगामी हुए तेणु शिव एवं विष्णु भितरे कौनसी प्रकार भेदभाव नाही सेथिपाई ए क्षेत्र रे हरिहर उपासना देखा जाए महाकार्तिक मासरे जेतेबले बहु श्रद्धालु यही क्षेत्र रे उपासित आसी जगन्नाथ महाप्रभु को उपासना करुथांती सही समय रे श्री बलभद्रंक बाड़े हरिहर उपासना अनुष्ठित होइथाय अर्थात आमर जो दीपावली अमावास्या रही से दीपावली अमावास्या एवं कार्तिक मास शुक्लपक्ष दशमी भितरे जो सोमवार पड़े से सोमवार दिन श्री बलभद्र भगवानंकर एही हरिहर बेश अनुष्ठित होइथाय जेहेतु श्री जगन्नाथ होउछन्ति विष्णु एवं श्री बलभद्र होउछन्ति शिव एवं ब्रह्मा होउछन्ति भगवती मां सुभद्रा एक कथा सारला दास ताको महाभारत रे उल्लेख करिछन्ति एवं एही समय रे अर्थात कार्तिक मास रे अमावस्या परवर्ती दशमी भितरे जो दिन पड़े सोमवार सेई दिन बलभद्रंकु हरि एवं हरंकर एक मूर्ति रूप से बेश करा जाए अर्थात ताकर अर्धेक भाग धवल वस्त्र आच्छादन करा जाए आउ अर्धेक भाग कृष्ण वर्ण जो वस्त्र से आभूषित करा जाए एवं एही दिन श्री बलभद्र भगवान गोटे भाग कृष्ण वर्ण गोटे भाग श्वेत वर्ण अर्थात विष्णु एवं शिव उभयंकर प्रतीक भाव रे से बेश होइथांती एवं एही दिन से नळी भुज परिधान करिथांती चंद्र सूर्य परिधान करिथांती
एवं मकर कुंडल धारण करिथांती बहुविध अलंकार सुवर्णमय अलंकार रे से विभूषित होई हरिहर रूप रे से भक्त मानू दर्शन देथांती। कार्तिक मास रे महाप्रभु अनेक वेश रे दर्शन दियंती, ता भितरे एई हरिहर वेश गोटे अनन्य वेश, काहीकि ना हरि एवं हरंक भितरे कोनोसे प्रकार भेदभाव नाही। आउ गोटे कथा एठारे देखा जाए, जेतेबेळे हरिंकर विवाह उत्सव अनुष्ठित हुए ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष एकादशी तिथिरे रुक्मिणी हरण एकादशी दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु रुक्मिणी को हरण करती विवाह हुए, ता परदिन चंपक द्वादशी अनुष्ठित हुए। यही अवसर रे तांकर गुआली यात्रा अनुष्ठित हुए एवं यही गुआली यात्रा रे से राजा श्रीनगर को जाती एवं श्रीनगर जाई सारिबा परे से जम्बेश्वरंक पाख को जानती। जम्बेश्वरंक पाखरे जो मदन मोहन एवं रुक्मिणी बा श्रीदेवी एमाने जाई पहुंचिला परे सेठारे तांकर पंचुग्रासी नीति अनुष्ठित होइथाय। सेबिली भावरे जेतेबेले शीतल षष्ठी दिन पंच महादेव से मध्य विवाह करंती, से मध्य बड़देवल को आसंती। बड़ देवल भितरे जो महालक्ष्मी को मंडप अछि, से महालक्ष्मी मंदिर रो जो मंडप से मंडप रे पंच महादेव शास्त्री को सेठारे विराजमान करिथांती एवं से दस जन विराजमान करंती। श्री जगन्नाथ को पक्षरु दोल गोविंद से मध्य जाई तांको पाखरे बसंती, जहाँ फल 11 पंक्ति सेठारे भोग अनुष्ठित हुए। तांको पंचुग्रासी रे शिव आसंती एवं शिवंकर पंचुग्रासी रे विष्णु अर्थात जगन्नाथ से मध्य दोल गोविंद रूप से सेठारे विराजमान करंती। तेणु श्रीक्षेत्र रे शिव एवं विष्णु बा हरिहर उपासना ये क्यों आदिम कालरु अनुष्ठित होची, एहाकु केवल विष्णु क्षेत्र कुहा जाई परिबो नाही, एहा जेमिति विष्णु क्षेत्र सेमिति एक शैव क्षेत्र एवं एही क्षेत्र रे जेमिति विष्णु को उपासना करा जाउची शिवंकर मध्य उपासना यथारीति मध्य करा जाउची, जहाँ फल रे एही क्षेत्र होची एकाधार रे शिव एवं विष्णुंकर एक मिलित क्षेत्र।